अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर फाइन एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ एट योर होम एंड यू आर फॉलोइंग SOPs. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू टुडे. सो टुडे आई विल बी टीचिंग यू यूनिट नंबर 10 एंड सेम इज द मैन विद कोकोनट्स. Today is a Monday, it's September 13, class 1, subject is English, it's the second term and it's your second lecture basically. So first thing first, it's your Active English book number 1. Open your book at page number 98. Here it is written unit number 10, the man with coconut. So let's start our today's lecture. So first I would like to ask you a question. If you go to school, will you go to school slow or fast? Number one. And what would happen if you walk fast? What would happen then? And what might happen if you walk slow? So here's the question. If you walk fast, you will reach school earlier. But if you walk slow, you might get late from school. And there's other possibility, if you go to school before time, then you can reach on time, right? So first thing first, I would be teaching you chapter number 10, the man with the coconuts. As you can learn from the title, the man with coconuts, that means it's a story about a man who have a coconut, right? That means कि ये कहानी है किसी ऐसे शख्स की जिसके पास क्या मौजूद थे, जिसके पास नारियल जो है वो मौजूद थे. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, वन डे अ मैन वेंट आउट टू गैदर कोकोनट्स. एक दफा ऐसे हुआ एक दिन कि एक जो शख्स था वो क्या, वो कोकोनट इकट्ठे करने के लिए, नारियल इकट्ठे करने के लिए गया. ही फाउंड मैनी कोकोनट्स एंड पुट देम ऑल ऑन हिज स्पोर्ट्स कार्ट. उसने बहुत सारे जो है वो नारियल मिले और उसने क्या किया, उन सबको अपनी यानी कि जो है वो रेडी या अपनी जो है वो कार्ड के ऊपर जो है सबको जमा कर लिया, यानी अपनी कार्ड के ऊपर रख लिया. अब वो कार्ड के ऊपर क्यों रखेगा? ही पुट इट ऑन दैट कार्ड सो दैट ही कैन टेक देम होम और ही कैन टेक देम टू द मार्केट टू सेल देम. सो दिस इज द फर्स्ट परसेप्शन विच कम्स इन आवर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सन. सो On his way home, he met a boy. और जब वो अपने घर के रास्ते में था वो एक लड़के से मिला. So let's see what that boy has to say or what's the role of that boy. So the man asked, तो आदमी ने जो है वो पूछा, how long will it take to reach my house? कि कितना वक्त लगेगा मुझे अपने घर तक पहुँचने के. The boy looked at the heavy load of coconuts and said, लड़के ने जो पीछे कार्ट के ऊपर भारी वजन था कोकोनट्स का या नारियल का वो देखा और उसने कहा, इफ़ यू गो स्लोली यू विल रीच वेरी सून. कि अगर तो आप आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो अपने घर को बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. बट इफ़ यू गो फास्ट, लेकिन अगर आप जल्दी जाते हैं तो इट विल टेक यू ऑल डे टू रीच योर हाउस. तो बहुत आपको पूरा दिन लग जाएगा अपने घर को पहुँचने तक. So what thing comes in our mind when we look in this conversation? So if you look it clearly, I mean deeply, so you can see that there's a man who was collecting coconuts because he want to take them home so that he can sell in the market or whatever he want to do, he can do with that. After that, what happens is on his way home, he found a boy, he talked with him and he asked him journally that how much time would it take me to go home. So the boy replied, that is a very strange reply. He said that if you walk slow, if you go
go to your home slow, then you will reach your home fast. But if you go to your home fast, you will, it would take a whole day to reach your home, to reach your goal. So that means that boy has a clear idea that अगर तो वो शख्स जो है वो नारियल इतने हैवी लोड के साथ घर जल्दी जाता है, मतलब तेज़ी से जो है वो अपना घोड़ा दौड़ाता है, तो उसको बहुत टाइम लगेगा. अगर वो आहिस्ता दौड़ाएगा तो उसको क्या होगा कि कम वक्त, यानी कि वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, कम वक्त लगेगा. अब जो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज होता है वो क्या है, दैट इज हाउ इज दैट पॉसिबल कि इफ अ पर्सन वॉक फास्टली एंड ही रीच हिज गोल लेट, कैसे कि अगर एक शख्स जो है वो दौड़ता हुआ जा रहा है तो वो अपने गोल की तरफ जा रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो वक्त पे ना पहुंचे, यानी उसको ज़्यादा वक्त लगे, और अगर वो जो है वो स्लो स्लो जा रहा है तो उसको जो है वो वक्त पर यानी कि टाइमली पहुंच जाएगा. सो व्हाट्स द लाइक हम इसके पीछे की जो है वो विजन जो है उसको तलाश करेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेसन, कि व्हाट इज़ द लाइक इस सबक में जो है वो हमारे लिए लेसन क्या छुपा हुआ है, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन बिहाइंड ऑल दिस टॉक एंड व्हाट इज़ लाइक इसमें हिकमत क्या है बेसिकली. सो द मैन थॉट अबाउट द स्ट्रेंज रिप्लाई एंड बिगेन टू हरी हिज हॉर्स, तो उस आदमी ने यानी कि जो है अजीबो गरीब से जवाब के बारे में सोचा और उसने अपने घोड़े को तेज़ी से दौड़ाना शुरू कर दिया. द कोकोनट फेल ऑफ, नारियल जो है वो गिर गए, एंड ही हैड टू स्टॉप एंड पिक देम अप, तो उसे रुकना पड़ा और उसे नारियल जो है वो दोबारा से उठाने पड़े. अब ये क्यों हो रहा था, बिकॉज वो तेज़ दौड़ा रहा था, तो उसे क्या हुआ कि उसके नारियल जो थे कि वो पीछे बहुत ज़्यादा थे लोड में, तो उसके नारियल जो है वो गिर गए और अब उसको घोड़े को रोकना पड़ा ताकि वो नारियल उठा सके, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू नो कोकोनट, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि कोकोनट लूज हो. दैट मीन्स कि वो रास्ते में अपना जमा किया, वो अपनी मेहनत से जमा किया वो माल जो है वो नहीं गंवाना चाहता. देन द मैन हर्ड अगेन टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, अब उस शख्स ने क्या किया कि उसने दोबारा से जल्दी की, बिकॉज ही वॉन्ट टू मेक अप फॉर दैट टाइम जो उसने पीछे नारियल को उठाने में और दोबारा से लोड करने में जो है वो ज़ाया किया. अगेन द कोकोनट फेल एंड द मैन हैड टू स्टॉप अगेन टू पिक देम ऑल अप, तो अब क्या हुआ, अब दोबारा से नारियल गिर गए तो उसने दौड़ाया और दोबारा से उसको यानी कि जो है उन सबको उठाना पड़ा, यानी जमा करना पड़ा. अगेन एंड अगेन द मैन हर्ड, बार बार वो शख्स जो था वो क्या करता था, वो जल्दी करता था. एंड अगेन एंड अगेन द कोकोनट फेल अप, और बार बार जो है उसके नारियल ज़मीन पर गिरते थे. एंड अगेन द मैन हैड टू स्टॉप एंड पिक देम, और बार बार उस शख्स को जो है वो रुकना पड़ता था और वो नारियल को जो है उठाना पड़ता था. व्हेन एट लास्ट ही रीच्ड होम, जब आखिरकार वो जब घर पहुंचा, इट वॉज नाइट, तो रात का वक्त हो चुका था. द मैन थॉट ऑफ दैट ऑफ व्हाट द बॉय हैड सेड, तो अब लड़के ने, उस आदमी ने उस बच्चे के बारे में सोचा, उस लड़के के बारे में सोचा जिसने उसको ये कहा था. एंड ही डिड नॉट सीम स्ट्रेंज एनीमोर, और उसको उस शख्स की जो है वो हिकमत समझ आ गई थी और उसको उसकी बात समझ आ गई थी कि क्यों वो अब उसके लिए अजीब व गरीब बात नहीं थी. सो इफ़ वी लुक इन दिस लेसन, तो हमारे पास इसका जो है वो सबक है वो क्या है, इसका सबक ये है कि अगर हमारे पास उस शख्स को जो है वो एक ही बात जो कि वो समझने से कासिर था, उसको समझ में नहीं आ रही थी, वो क्या बात थी, दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन दैट बॉयज टॉक, कि अगर वो बहुत जल्दी करेगा तो ऑब्वियसली उसकी कार्ट के ऊपर बहुत सारा हैवी लोड है, तो वो क्या करेगा, वो गिरेगा, यानी कि उसके लिए उसको एक जगह पर रखे रखना मुश्किल हो जाएगा, तो वो गिरेगा, दोबारा से वो चीज़ों को कलेक्ट करेगा. बट आफ्टर डूइंग फॉर सेवरल टाइम ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा था, बट इंस्टेड इसके कि उसकी हिकमत को तलाश करता, उसे वो अजीब लगा. एंड व्हाट डिड ही डू इज़ कि उसने दोबारा से वही सब कुछ किया. एंड व्हेन ही रीच होम, जब वो रात को घर पहुंचा तो उसे समझ में आई कि उस लड़के ने ऐसा इसलिए कहा था कि अगर वो जल्दी करेगा घर जाने में, यानी कि अगर वो जल्दी दौड़ाएगा घोड़े को, तो उसका कार्ट जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा, कोकोनट्स गिरेंगे, उसको टाइम लगेगा बार बार उठाने में, इसी वजह से वो लेट होगा. लेकिन अगर वो आराम आराम से घर की तरफ रवा दवा रहता, तो ना तो उसको बार बार कोकोनट उठाने पड़ते और ना ही उसकी मेहनत जो है वो बार बार शुरू करनी पड़ती, तो उसका जो है वो वक्त जो है वो ज़ाया नहीं होता, बल्कि ही वुड बी एट होम एट द परफेक्ट टाइम. सो दिस वॉज द लेसन बिहाइंड दिस स्टोरी, कि बाज़ुकात ऐसा होता है कि तेज़ी से जाने में नुकसान और आहिस्ता आहिस्ता आराम से जाने में जो है वो फ़ायदा होता है. अब बात सिर्फ इतनी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें किन मौके पे, किन जगहों पर वी नीड टू बी फास्ट, हमें तेज़ होना है, और किन मौके पे हमें जो
जो है वो स्लो चलना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेसन द मैन विद द कोकोनट्स. सो लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 100. राइट, ऑन पेज नंबर 100 वी हैव सम वोकैबुलरी वर्ड्स. राइट, सो आई हैव पोस्टेड अ फ्यू पिक्चर्स ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड्स ऑन दिस व्हाइट बोर्ड. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर द फर्स्ट. इफ यू लुक इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फ्रूट. राइट, फर्स्ट थिंग विच कम्स इन योर माइंड इज दैट इट्स अ पिक्चर ऑफ अ फ्रूट. फ्रूट इज समथिंग विच वी ईट नॉर्मली. सो इट्स लाइक फ्रूट. एंड विच फ्रूट इट इज? इट्स अ पपाया. व्हाट इट इज? इट्स अ पपाया. इट्स रिटन ऑन योर बुक एट पेज नंबर 100. इट्स अ पपाया. सो वोकैबुलरी वर्ड विच वी लर्न इज लाइक दिस लेसन इज अबाउट कोकोनट विच इज ऑल्सो फ्रूट. एंड नाउ इट्स अबाउट यू नो वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट फ्रूट. सो दिस इज पपाया. व्हाट इट इज? इट्स अ पपाया. पपाया किसको बोलते हैं बेटे? पपाया बेसिकली बोलते हैं पपीते को. ठीक है, जो हम आमतौर पर घरों में खा रहे होते हैं. इट्स अ फ्रूट. देन वी हैव एनदर फ्रूट यू माइट बी फेमिलियर विद दैट. इट्स अ बनाना. व्हाट इट इज? इट्स अ बनाना. बनाना मीन्स केले. इट्स अ बनाना यानी केले. देन वी हैव अ मैंगो. राइट, इट्स अनदर फ्रूट. मैंगो जिसको हम उर्दू में कहते हैं आम. इट्स अ मैंगो. सो वी हैव अ पपाया जिसको हम पपीता बोलते हैं. वी हैव अ बनाना जिसको हम केला कहते हैं. वी हैव अ मैंगो जिसको हम उर्दू में आम बोलते हैं. सो हियर इज अनदर पिक्चर ऑफ अ फ्रूट. इट्स अ ऑरेंज. ऑरेंज हम किसको बोलते हैं? यानी कि हम संतरे को बोलते हैं बेसिकली ऑरेंज. एंड ये हमारे पास पिक्चर जो है दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ अनदर फ्रूट विच इज ग्रेप्स. ग्रेप्स किसको बोलते हैं हम? अंगूर को बोलते हैं. ग्रेप्स किसको बोलते हैं? अंगूर. सो वी हैव अ पपाया, वी हैव अ बनाना, वी हैव अ मैंगो, वी हैव अ ऑरेंज एंड वी हैव ग्रेप्स ऑल्सो. सो ऑल दीज आर फ्रूट्स. सो लेट्स लुक ऑन दिस पिक्चर. इफ यू लुक ऑन दिस पिक्चर क्लियरली वी कैन सी दैट दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कोकोनट. कोकोनट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर लेसन. कोकोनट किसको बोलते हैं? नारियल. राइट, दिस इज अ एप्पल. एप्पल ये तो आप सबको फेमिलियर है. आप इससे एप्पल यानी कि जो है वो एप्पल कहते हैं बेसिकली सेब को. एंड दिस इज पाइन एप्पल. पाइन एप्पल क्या होता है? पाइन एप्पल कहते हैं अनानास को. एंड दिस इज वाटरमेलन. वाटरमेलन किसको बोलते हैं? तरबूज को. सो वी हैव अ पपाया, पपीता, बनाना, केला, मैंगो, आम, ऑरेंज, संतरा, ग्रेप्स, अंगूर, कोकोनट, नारियल, एप्पल, सेब, पाइनएप्पल, अनानास एंड वाटरमेलन, तरबूज. सो ऑल दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स विच आर रिटन ऑन योर पेज नंबर 100. राइट, ऑन पेज नंबर 100 दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स. सो बेसिकली दीज वोकैबुलरी वर्ड्स आर ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स विच यू ईट नॉर्मली ऑन योर डेली बेसिस. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव अदर थिंग्स इन द स्टोर फॉर यू. सो इफ यू लुक ऑन द अदर सेकेंड एक्टिविटी ऑन द पेज नंबर 100, सेम पेज ऑन द अपर साइड यू विल सी अ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स. And they have written their names also. On the second activity, there is unscramble basically the letters and write the names of the fruits. So if you look on the first picture, it's a picture of a apple, right? It's a picture of apple. So it's L-E-P-A-P. So you need to scramble it and the name is written apple. So first picture is about an apple. So answer would be apple. So if you unscramble it again, it's a A-R-T-E-W-E-W-L-E-M-O-N. It's a watermelon. It's a picture written over, given over here is a of melon, watermelon. So it's a watermelon. And again, it's a picture of banana. So you need to unscramble all these words. First is answer is apple. Second is watermelon. Third is banana and the fourth one is papaya. Right? So all these words are written, but it's like it's a scramble way, so you need to unscramble it. मतलब ये है कि ये आगे पीछे करके लिखे गए हैं अल्फाज जो letters, और इन letters को आपने मिलाकर एक proper जो है वो word बनाना है. And there is a clue also. क्लू यहाँ पर दिया गया है, आपको पिक्चर दी गई है जिससे आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी पिक्चर लगी हुई है. सो दैट वुड बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट
question. So now moving towards our third activity, it's a grammar portion. So use of preposition. Preposition का जो है वो हमने इस्तेमाल करना है. So they tell us where something is placed. Preposition is something which tells us where that thing is placed. मतलब ये है कि preposition किसी भी ऐसे यानी कि जो है वो अल्फाज को बोलते हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है. ठीक है. So we are here, we have on, at, in. On क्या होता है? It's a word. At, it's a word. In, it's a word. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि इनके अल्फाज जो है preposition को हम अपने किन किन जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं. सो देर आर सर्टन एग्जाम्पल्स. नंबर वन, फर्स्ट आपकी एग्जाम्पल है ये, देर आर कोकोनट्स ऑन द कार्ट. कोकोनट्स का मतलब ये है कि नारियल जो है वो कार्ट के ऊपर पड़े. ठीक है. ऑन मतलब ऊपर, राइट. फिर के द चिल्ड्रंस आर एट द बस स्टॉप. बच्चे जो है वो बस स्टॉप पर खड़े. ठीक है, पर खड़े हैं. एट पर के लिए इस्तेमाल हो गया. He put the coins in his pocket. उसने अपनी यानी कि जेब के अंदर सिक्के डाले. So basically क्या है, on शो करता है ऊपर, at किसको शो करता है पर, in किसको शो करता है में. So we are going to use these words on, at, in. These are also called preposition. प्रेपोजिशन का मतलब ये होता है कि इट शोज दैट वेयर समथिंग इज प्लेस्ड. मतलब कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, उसकी जो पोजीशन को शो करने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या है, ऑन, एट, इन. सो दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स वी यूज. सो फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद ऑन, एट और इन. द कोकोनट फेल डैश ऑन द ग्राउंड. सो द कोकोनट फेल डैश द ग्राउंड. सो कोकोनट किस पे गिरे, ऑन द ग्राउंड. ठीक है. तो फर्स्ट है उसने क्या किया, उसने
उसने जो है वो फल बॉक्स के अंदर यानी डब्बे के अंदर रखे बनाना डैश द टेबल देयर इज अ बनाना ऑन द टेबल के टेबल के ऊपर क्या पड़े थे केले मौजूद थे जेम्स पुट द More than one,
तो हम क्या यूज करते हैं, देयर आर. सो इफ द थिंग्स आर मोर देन वन तो हमारे पास क्या यूज होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, देयर आर. सो फर्स्ट आप क्या करें, कंप्लीट द सेंटेंसेज विद इज और आर. हमने इज और आर के साथ जो है सेंटेंसेज कंप्लीट करने हैं. सो इफ यू लिखो ऑन द फर्स्ट सेंटेंस, देयर डैश अ हॉर्स ऑन द फार्म. देयर इज अ हॉर्स इन द फार्म, यानी कि फार्म के अंदर उस वक्त में एक घोड़ा मौजूद था. सो देयर डैश मैन सेलिंग कोकोनट्स बाय द रोड. वहाँ पर बहुत सारे यानी कि जो है वो आदमी मौजूद थे. मैन चूज दैट मीन्स के वी विल बी यूजिंग आर. सो देयर आर मैन सेलिंग कोकोनट्स बाय द रोड. तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो आर आ जाएगा. सो देयर डैश अ बटरफ्लाई ऑन द फ्लावर इज, यानी कि एक बटरफ्लाई की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे. सो देयर इज अ बटरफ्लाई ऑन द कार के, बटरफ्लाई यानी कि एक जो तितली थी वो फूल के ऊपर थी, तो इज आ जाएगा. सो देयर डैश मैनी बर्ड्स इन द स्काई. मैनी से क्या मतलब है, द थिंग इज मोर देन वन. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई. आसमान पर बहुत सारे परिंदे मौजूद थे. देयर डैश अ कोकोनट इन द किचन, यानी किचन के अंदर एक जो है वो नारियल मौजूद था. तो क्या यहाँ पर आएगा, देयर इज अ कोकोनट इन द किचन एंड देयर आर एप्पल्स इन द फ्रिज के, फ्रिज के अंदर बहुत सारे सेब जो है वो मौजूद थे. सो इफ यू लुक ऑन द अदर थिंग, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड विच हैव डब्ल्यू एच व साउंड, राइट. हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जिनके साथ हम क्या करते हैं, व साउंड देते हैं. फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू एच ए टी वर्ड, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, डब्ल्यू एच आई सी एच विच. सो हम यूज करेंगे व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई. व्हाट क्या, वेयर किसको कहते हैं कहाँ, व्हेन किसको कहते हैं कब, विच किसको कहते हैं कौन सा, व्हाई किसको कहते हैं क्यों. सो वी आर गोइंग टू यूज दीज वर्ड्स इन दीज ब्लैंक्स. सो डैश इज योर नेम, नाम यानी कि जो है वो क्या है, तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, व्हाट इज योर नेम. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है. सेकंड है डिड रेमंड लीव, तो हमारे पास वेयर डिड रेमंड लीव, यानी कि रेमंड जो है वो कहाँ गया है, सॉरी व्हेन डिड रेमंड जो है वो लीव आ जाएगा. एंड देन वी हैव डिड द मैन गो, वेयर डिड द मैन गो, आदमी जो है वो कहाँ गया. सो डैश इज योर हाउस, विच इज योर हाउस, यानी कि आपका घर कौन सा है. एंड डिड द कोकोनट फेल ऑफ द कार्ट, यानी कि वाई डिड द कोकोनट फेल ऑफ द कार्ट, यानी कि क्यों जो है वो कोकोनट्स यानी नारियल जो थे अपनी कार्ट में से यानी कि जो है वो गिरे थे. सो व्हाट, व्हेन, व्हाट इज योर नेम, व्हेन डिड रेमंड लीव, वेयर डिड द मैन गो, विच इज योर हाउस एंड वाई डिड द कोकोनट फेल ऑफ द कार्ट. सो दीज आर द वर्ड वी आर गोइंग टू यूज. And there is also, yes, this is for today. So we have learned, started, we have started from page number 98 and we have learned in page number 103. So this is all about the lesson, the man with the coconuts. Thank you so much. I hope you enjoyed the lecture and I hope you learned it. I hope that when you are sitting at back your homes, you will learn it properly. And once you come back, we will revise that thing again. Thank you so much. Allah Hafiz.